वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास एट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है हाउ व्हेन एंड वेयर। इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक एस्पेक्ट्स, उनकी डेट के हिसाब से क्या क्या बातें हिस्टोरियंस ने लिखी, कहाँ से वो आइडियाज लेके आए कि भाई क्या स्टोरी लाइन चल रही थी किंग्स की, क्वींस की और वेरियस अदर जो लोग आए थे किसी भी देश पर कब्जा करने, वो कैसे लिखी जाती हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो हमारा पहला टॉपिक है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। तो देख लीजिए डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों होती है। देर वॉज अ टाइम वेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। एक टाइम था जब हिस्टोरियंस बड़े ही अट्रैक्टेड थे डेट्स की तरफ। देर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउन्ड और बैटल्स वर फोट। डिबेट चलती थी डेट्स के ऊपर कि भाई कौन सी डेट पे बैटल हुए, कब राजा को ताज पहनाया गया बेसिकली। और इन द कॉमन सेंस नेशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट। ये माना जाता था कॉमन सेंस के तौर पे कि भी हिस्ट्री डेट्स के साथ ही चलती है। यू मे हैव हर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। आपने लोगों को सुना भी होगा कि भी हिस्ट्री बड़ी ही बोरिंग होती है क्योंकि इसमें तो डेट और साल याद हमें करने होते हैं। इज सच अ कंसेप्शन ट्रू, क्या ये ट्रू है, देखते हैं। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर अवर टाइम। ये देख लीजिए हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री की एक बेसिक डेफिनेशन है कि हिस्ट्री होती है वो चेंजेस जो आए हैं टाइम के साथ साथ, वो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री में हमें जानने को मिलता है कि पहले क्या होता था, आज के टाइम पे क्या चल रहा है, और हम इससे जानकारी पा सकते हैं कि उन्होंने इस चीज़ से कैसे, ये मान लीजिए उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया उस टाइम पे जो प्रॉब्लम थी। और हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन पास्ट। ये देख लीजिए पास्ट में क्या था और क्या चीज़ें बदली हैं। एज सून एज वी कंपेयर, जैसे हम पास्ट के साथ कंपेयर करेंगे विद द प्रेजेंट, वी टॉक बिफोर एंड आफ्टर। हम बिफोर और आफ्टर को यूज करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। इसके बाद आती है लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ व्हाट वी सी हैज ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट, बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल। हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो हिस्टोरिकली लिंक्ड है, ओके, और हम एज ए ग्रांटेड इस दुनिया को लेके चलते हैं, जैसे हमें जैसे थी ऐसे ही मिली है, बट हम हिस्ट्री से ही जान पाएंगे कि एक्चुअल में पहले क्या था और अब हमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी एट अ रोड साइड टी स्टॉल, यू मे वंडर व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफी। अगर आप चाय पीते आदमी को देखेंगे तो आप सोचेंगे कि टी और कॉफी आई कहाँ से, कब पीनी शुरू की टी और कॉफी। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन, यू मे आस्क योरसेल्फ व्हेन वर रेलवेज बिल्ट। रेल को देखकर आप सोचेंगे कि रेलवेज पहली बार आई कब थी, इंडस्ट्रीज बेसिकली आई कब थी। न्यूज़पेपर को पढ़कर आप सोचेंगे कि न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग शुरू कब हुई थी। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये हमें सिर्फ हिस्ट्री में ही जानने को मिलेंगी। तो आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पे। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशन ऑफ टाइम। हमें टाइम से ही जानने को मिलेगा ये सब। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ। बट समटाइम्स क्या होता है कि भी टाइम को बिल्कुल हम एग्जैक्टली नहीं लिख पाते हैं, हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद उस टाइम पर यह चीज़ हुई थी। समटाइम्स उसको इनकरेक्टली फिक्स करना पड़ता है प्रिसाइज डेट्स के आसपास टू पोजेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, बिकॉज अगर हम देखें कि इंडिया में अगर टी ड्रिंकिंग जब शुरू हुई थी तो वो सिर्फ एक एग्जैक्टली किसी डेट को शुरू नहीं हुई थी, हम उसका एक साल लेके चल सकते हैं, या फिर उसका टेस्ट एक ही दिन में नहीं बना था कि आज भाई मान लीजिए कोई डेट है पर्टिकुलर एक्स वाई जेड और आज के दिन टी का टेस्ट बन गया सब लोगों के अंदर और आज से ही सबने टी पीनी शुरू कर दी। नो, देयर कैन बी नो क्लियर डेट फॉर सच प्रोसेस। इस टाइप के प्रोसेस के लिए कोई क्लियर डेट नहीं हो सकती है। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश। तो ऐसे ही ब्रिटिश रूल जब स्टार्ट हुआ उसके लिए भी हम कोई एग्जैक्टली फिक्स डेट नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई, कोई इकोनॉमी में चेंज आया है, समाज में कोई बदलाव आया है, तो उसके लिए कई बार हमें एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती है। ऑल दीज थिंग्स, ये सभी चीज़ें कुछ टाइम तक लगातार चलती रहती हैं, 10-15 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल, ऐसे चलती रहती हैं, और इसलिए हमें एक पूरा टाइम स्पेन पढ़ना पड़ता है और तब जाके हमें चेंजेस दिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 1900 पढ़ें और अगर हम इसको 2000 तक पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि यस इंडिया में क्या बदलाव आए थे उस टाइम तक, ठीक है, हमें एक साल से नहीं पता चलेगा कि बदलाव क्या आए थे। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री का, हिस्ट्री को पढ़ना। इसके बाद आता है हमारे पास वी कैन ओनली व्हाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स।
अभी आप सोचेंगे कि भाई डेट्स जब हमारे पास फिक्स नहीं है तो हम डेट्स लिखते ही क्यों हिस्ट्री में, क्यों ना हम सिर्फ चेंजेस लिख दें। दिस एसोसिएशन हैज अ रीजन, इसका एक रीजन है। देर वॉज अ टाइम वेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। एक टाइम था जब जिसमें हिस्ट्री में बैटल्स और बड़ी बड़ी इवेंट्स ही लिखी जाती थी सिर्फ। इट वॉज उसके अंदर रूलर्स के बारे में बताया जाता था, उसके अंदर पॉलिसीज बताई जाती थी उनकी कि ये राजा ये पॉलिसी फॉलो करता था। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउन्ड, उसके अंदर राजा कब बना, कब उसकी शादी हुई, कब ही हैड अ चाइल्ड, एंड उसके बाद कब उसने युद्ध लड़े, कब वो मरा, इस टाइप की बातें हर साल के हिसाब से पहले हिस्टोरियंस लिखते थे। द नेक्स्ट और अगली बार लिखते थे कि भी नेक्स्ट रूलर कब आया था थ्रोन पे। फॉर दिस इवेंट्स स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, इन टाइप की इवेंट्स के लिए डेट मिल जाती थी बिकॉज ये अकाउंट में रिटर्न होती थी। राजा के जो वहां पर दरबारी बैठते थे, वहां पर जो मंत्री वगैरह थे, वो कहीं ना कहीं लिख कर रहते थे इस चीजों को, तो बड़ा ही इजी था इन चीजों को लिखना। इन हिस्ट्रीज सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट, लेकिन इनके बारे में भी डिबेट्स कई बार चलती रहती हैं। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 ईयर्स, आपने 2 साल की बुक्स पढ़ी हिस्ट्री की। हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इशूज एंड अदर क्वेश्चन, दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड एंड वट दे प्रोड्यूस्ड एट 8। अब सिर्फ राजाओं के बारे में नहीं लिखा जाता था, अब आपने पढ़ा हिस्ट्री में सोसाइटी के बारे में भी लिखा जाता है कि सोसाइटी में लोग कैसे रहते थे, क्या उनके रिलीजन, क्या कास्ट वगैरह, क्या सिस्टम क्या था, हम सब कुछ पढ़ते, कैसे वो कमाते थे, कैसे वो अपना ये मान लीजिए जीवन व्यतीत करते थे, ये सभी हम पढ़ते हैं। तो हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड, कैसे किंगडम्स बने, कैसे नए आइडियाज आए, ये आप सभी इन बातों को पढ़ के आ रखे हैं 2 साल में। और आगे हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री के अंदर चेंजेस मीन्स मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर जो बता रहा है कि डेट्स का यूज कैसे होता है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये बोल रहा है कि विच डेट्स, तो कौन सी डेट्स, बाय वट क्राइटेरिया डू वी चूज, हम किस क्राइटेरिया के हिसाब से डेट्स को चूज करते हैं कि ये वाली डेट इंपॉर्टेंट है। बिकॉज राजा मान लीजिए 50 साल जीवित रहा है तो 50 साल उसके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इस हिसाब से, तो लेकिन इनमें से मेन 10 डेट्स को चूज करना ये बड़ा ही टफ है, तो कैसे हम चूज करेंगे ये पढ़ते हैं। द डेट्स वी सिलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज अवर स्टोरी आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ओन, वो अपने आप से इम्पोर्टेंट नहीं होती है, दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स। वो तब इम्पोर्टेंट होती है जब हम किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रहे हैं और वो इवेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए उससे जुड़ी हुई जितनी भी डेट्स हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएंगी, इम्पोर्टेंट। इफ अवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, इफ वी बिगेन टू लुक एट न्यू इशूज, अ न्यू सेट ऑफ डेट, अगर हम इशू को बदल देंगे, मान लीजिए हमने कोई इशू उठाया एक पर्टिकुलर किसी राजा के टाइम का, तो उसकी जो डेट होगी वो इम्पोर्टेंट हो जाएगी उस इशू से रिलेटेड। अगर हम सेकेंड इशू उठा लेते हैं तो इससे रिलेटेड डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, इन द हिस्ट्रीज रिटन बाई ब्रिटिश ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्री लिखी है, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट, तो अंग्रेजों के लिए उनके सभी गवर्नर जनरल्स का रूल बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। सो दीज हिस्ट्रीज, तो उनके फर्स्ट गवर्नर जनरल से उनकी कहानी शुरू होती है। जैसे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे भाई, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, वेरन हास्टिंग, और लास्ट वॉइस रॉय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, तो ये भी आ जाता है, हु वॉज द लास्ट वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, वॉज द लास्ट वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इन सेपरेट। तो वो पढ़ते थे गवर्नर जनरल्स की टर्म में और वाइस रॉयज की टर्म में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट उनके लिए था ये कार्यकाल, बिकॉज उनको एक एक बात लिखनी पड़ती थी कि इन्होंने कैसे नई नई पॉलिसीज लेके आए, इन्होंने क्या किया इंडिया में। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट हेस्टिंग वेलेस्ले वेरियस, ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास वेरियस अदर वाइस रॉयज भी रहे हैं, ये देख लीजिए ऊपर, अबाउट डीड्स ऑफ अदर, जैसे हेस्टिंग वेलेस्ले बेंटिक डलोजी कैनिंग लोरेंस, ये बहुत सारे जो गवर्नर जनरल और वाइस रॉयज रहे हैं इनके सभी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज को भी नोट किया जाता है। इट वॉज सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल वाइस रॉय, लगातार ये गवर्नर जनरल और वाइस रॉयज रहे हैं। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दीज पर्सनैलिटीज, और अंग्रेजों ने जितनी भी हिस्ट्री की बुक्स लिखी हैं वो इन सभी पर्सनैलिटीज से लिंक्ड है। टू देयर एक्टिविटीज, उनकी अचीवमेंट्स उनके बारे में ही लिखा गया है। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे, तो देखिए ये तो ब्रिटिश टाइप में लिखी गई थी ये हिस्ट्री, तो ब्रिटिश टाइप में कैसे लिखी गई, इन्होंने अपने गवर्नर जनरल और वाइस रॉयज के बारे में लिख दिया और उनसे जुड़ी हुई बातें लिख दी, तो हमें समझ में आ गया कि ऐसे इंडिया में सिस्टम चल रहा था। क्या हम इस हिस्ट्री को अलग तरीके से नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भाई,
हम इंडिया की तरफ से लिख सकते हैं इसको, हम ये लिख सकते हैं हमारे लीडर्स ने क्या किया उस टाइम, भाई वेर एन आस्टिंग जिस टाइम गवर्नर जनरल था, हमारे लीडर्स उस टाइम क्या कर रहे थे, तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप, लेकिन हम इन चीजों को फोकस कैसे करेंगे डिफरेंट ग्रुप ने क्या किया उस टाइम पे। आगे बोल रहा है कि व्हेन वी राइट, जब हम हिस्ट्री लिखते हैं एक स्टोरी बनती है, ओके okay, फिर उस स्टोरी को हम डिवाइड करते हैं चैप्टर्स में कि पहले ये आया था फिर ये हुआ, इस प्रकार से वो एक स्टोरी चलती रहती है और हमें एक हिस्ट्री मिल जाती है। तो ये था हमारा एक बेसिक एस्पेक्ट की हिस्ट्री में डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों होती है। नेक्स्ट भी पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाउ डू वी पीरियडाइज, मीन्स हम पीरियड कैसे बनाएंगे, भाई इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये बातें हुई, ये पीरियड कैसे बनता है इसको हम जानते हैं। ये देख लीजिए, इन 1817 जेम्स मिल अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम बुक अब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, हु रोट अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा भी, ये लिखा जेम्स मिल ने, तो जेम्स मिल ने इसको लिखा। और इसके अंदर हम देखते हैं ये कब लिखा, ये लिखा 1817 के अंदर। इन दिस उसने डिवाइड किया, उसने तीन टाइप से डिवाइड किया हिस्ट्री को, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश। बड़ा ही अलग नजरिए से इन्होंने लिखा, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड किया इन्होंने, तीन वॉल्यूम्स थी तो तीन वॉल्यूम्स को ये डिवाइड किया इन्होंने। दिस इस पीरियडाइजेशन को एक्सेप्ट किया जा रहा है बिकॉज ये बोल रहा है कि कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट द इंडियन हिस्ट्री, व्हाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड इनटू डिफरेंट पीरियड्स। सो वी डू, इसने देखे तीन पीरियड्स में डिवाइड किया तो कैसे किया, एक हिंदू फिर मुस्लिम फिर ब्रिटिश, इस टाइप से इसने डिवाइड किया अपनी हिस्ट्री को। तो इसको भी एक्सेप्ट किया जा रहा है वर्ल्ड में, तो कैसे भी हम हिस्ट्री को लिख सकते हैं। देखिए वो गलत तब होगी जब हम उसका, ये मान लीजिए उसके एस्पेक्ट्स ही गलत लिख रहे हैं, लेकिन अगर हम उस नजरिए से लिखना चाहते हैं तो यस इट इज राइट। व्हाई डू वी ट्राई, हम क्यों ट्राई करते हैं अलग अलग डिफरेंट पीरियड्स में बांटना, ये जानते हैं हम। वी डू सो टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम को जानने के लिए हम ये लिखते हैं। और हम इसको जब पेरेडाइज कर देते हैं कि भाई हम लिख रहे हैं भाई 1700 से लेके 1800 हम जानते हैं, तो हमें पता लगेगा कि यस इस टाइम पे क्या चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, हमारे इंडिया में लीडर्स उस टाइम क्या कर रहे थे, तो हमें एक पर्टिकुलर इवेंट पता लग दी इस टाइम की। सो मिल ने क्या किया, मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। अब ये जो बुक लिखी थी जेम्स मिल ने, इनका मानना था कि जितने भी एशिया की सोसाइटीज है, जितने भी एशिया के देश हैं बेसिकली, वो लोअर लेवल पे हैं सिविलाइजेशन के, वो इतने ज़्यादा अभी मैच्योर या फिर डेवलप नहीं हुए हैं यूरोप के मुकाबले। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग, उनका मानना था हिस्ट्री के हिसाब से, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोट्स रूल्ड द कंट्री। उनका मानना था कि जब तक अंग्रेज नहीं आए थे हिंदू और मुस्लिम राजा ही जो राज करते थे कंट्री के ऊपर, रिलीजन के बारे में आपस में इंटॉलरेंस था, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई करते थे, कास्ट का आपस में डिस्क्रिमिनेशन वगैरह था, सुपरस्टिशन प्रैक्टिसेस ये चलती आ रही थी, ठीक है। तो इनकी, इन्होंने हिस्ट्री की बुक में इस प्रकार से लिखा है। इसके बाद देखिए उन्होंने लिखा है कि जे मिल फेल्ट करते थे कि भाई हम सिविलाइज कर देंगे इंडिया को, उनका ये मानना था, और इसके लिए नेसेसरी है कि यूरोपियन मैनर्स ही आए और हमारे यूरोपियन कानून, अंग्रेजों के कानून और इंस्टीट्यूशंस वहां पर आएंगे, तभी ये लोग सिविलाइज हो सकते हैं, तो उनका तो ये मानना था। उन्होंने सजेस्ट किया कि ब्रिटेन को कंकर कर लेना चाहिए इंडिया को, ताकि वो लोग खुशहाल रहें और वो लोग डेवलप कर सकें, लेकिन फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। उनका मानना था कि इंडिया डेवलप नहीं कर सकता बिना अंग्रेजों की हेल्प के। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल प्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। अब इस बुक के जरिए ये दिखाया जा रहा है कि भी सिर्फ ब्रिटेन ही पावरफुल है और वही सभी देशों को सिविलाइज कर सकता है। तो अगर इस बुक को कोई पढ़ेगा तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर सकता है, निगलेक्ट भी कर सकता है, लेकिन ये चीज़ उनको फैलाने के लिए इस टाइप से लिखा जाता है ताकि हम जो कर रहे हैं किसी देश में वो सही है, इन चीज़ों को दिखाने के लिए है। आगे देखिए, इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम। आप देखेंगे कि किसी कार्यकाल को हम हिंदू और मुस्लिम बोल सकते हैं। डिड नॉट वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट, क्या हम नहीं देख सकते कि इंडिया में बहुत सारे टाइप के रिलीजन हैं, तो क्या सिर्फ एक ही टाइम हिंदू थे एक ही टाइम मुस्लिम थे, नहीं, हमने देखा है कि मुगल्स के टाइम पे मुस्लिम भी थे हिंदू भी थे। सो व्हाई शुड वी कैरेक्टराइज, तो रिलीजन के हिसाब से हम क्यों बांट रहे हैं। टू डू सो इज टू सजेस्ट दैट द लाइव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर्स डू नॉट रियली मैटर। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ। मूविंग अवे फ्रॉम, अब हम ब्रिटिश, ये था ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, अंग्रेजों के हिसाब से उन्होंने अपनी हिस्ट्री बना ली,
ताकि सबको लगे कि यस अंग्रेजों ने जो किया सही था। हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री, जो नॉर्मल ये मान लीजिए अगर हम हिस्टोरियंस की बात करें तो उन्होंने तीन कार्यकाल में बांटा है इंडियन हिस्ट्री को। वो टाइम है, एक है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पुरानी, एक है मेडिवल मेडिवल एंड मॉडर्न। तो तीन टाइप से हम पढ़ेंगे इस हिस्ट्री को, एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एंशियंट आपने पढ़ लिया पहले, हड़प्पन कल्चर वगैरह जो आपने पढ़ा है वो होता है एंशियंट में। मेडिवल में हमारे आ जाएंगे कुछ राजाओं के किंगडम्स और उनके ईयर्स। मॉडर्न में हमारे पास आते हैं जब ब्रिटिश इंडिया बन गया, ठीक है, ब्रिटेन ने इंडिया पे कब्जा कर लिया था तब से। और इस डिवीजन में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देखो है, बोल रहे हैं बिकॉज ये माना जाता है कि ये भी वेस्ट से बोरो किया गया इस पीरियड को भी, कि भी जो साल वगैरह बोरो किए हैं वो थोड़ा सा वेस्ट से बोरो किया है। और अगर हम देखें इसके अंदर भी साइंस रीजन डेमोक्रेसी इन बातों का जिक्र ज्यादा है, तो इसीलिए ये वेस्ट के आइडियाज ऐसे माने जाते हैं। मेडिवल टर्म होती है वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। मेडिवल वो टाइम है जहां पर मॉडर्न सोसाइटी के फीचर्स एग्जिस्ट नहीं करते। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब पीरियड ऑफ आवर स्टडी? एज यू विल सी इन दिस बुक, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी। आप देखेंगे इस बुक में कि अंग्रेजों के टाइम पे लोगों के पास इक्वालिटी फ्रीडम नहीं थी, नोर वॉज द ना ही कोई इकोनॉमिक ग्रोथ थी। सो मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। तो इसीलिए इस टाइम को क्या बोला जाता है, कॉलोनियल। तो इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज कॉलोनियल। तो आज हमारे पार्ट वन में इस चैप्टर में इतना ही। सो होप यू लाइक द वीडियो, और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को। सो थैंक यू।